नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो आपको उसके लिए एक डिजिटल तरीके का टेस्ट देना पड़ता है। सो गाइज, आप इस टेस्ट को एक बार में ही कैसे पास करोगे, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो गाइज, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो तो उसके ऊपर हमने वीडियो बना दी है, उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जा सकते हो और वहाँ से वीडियो देख सकते हो। अगर आप स्लॉट बुकिंग करना चाहते हो, वह भी वीडियो हमने बना दिया, चैनल पे जाके देख सकते हो। सो गाइज, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप इस टेस्ट को एक बार में कैसे पास करोगे। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर खोल लेना। क्रोम ब्राउजर खोलने के बाद गूगल बार में यहाँ पर आपको सर्च करना है सारथी। तो मैं यहाँ से सारथी को सर्च कर लेता हूँ। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको पहला लिंक मिल जाएगा, परिवहन सेवा। तो आपको इसी वाले लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इसकी ऑफिशियल साइट इस तरीके से आ जाएगी। तो इतना आने के बाद आपको यहाँ नीचे आना, और नीचे आने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस पे आपको यहाँ क्लिक कर देना है। जब आप इतना क्लिक करोगे तो आपके सामने अगला पेज इस तरीके से खुलेगा, और आपको यहाँ से आप जिस भी स्टेट के हो, आपका जौन सा भी स्टेट है, आपको वह स्टेट अपना सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऑप्शन खुल जाता है। तो आपको बराबर में यहाँ पे क्लिक करना है ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ पर आपको लर्निंग लाइसेंस का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इसी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। तो मैं इस पे क्लिक करके सैंपल क्वेश्चन LL टेस्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आपको इसी पे क्लिक कर देना है। तो लर्निंग लाइसेंस के लिए आपको टेस्ट के लिए इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको अपना यहाँ पर सेलेक्ट करना है स्टेट। तो दोबारा से यहाँ पर आपको जिस भी स्टेट से हो वह स्टेट आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज, तो आपको किस भाषा में आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आपको वही भाषा यहाँ से चूज कर लेनी है। तो मुझे हिंदी में चाहिए तो मैं हिंदी को यहाँ पर लिख के सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद गाइज, आपके सामने यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन आएगा और यह लोडिंग लेगा, आपके सैंपल पेपर यहाँ पर डाउनलोड हो जाएंगे। सो गाइज, जो ड्राइविंग लाइसेंस का जो पेपर आता है वह 100% इसी में से आता है, इसके अलावा और किसी में से नहीं आता। जो इसकी साइट पर यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, आपको इसी सिलेबस में से देख लेना है। सारा जो पेपर आता है वह इसी में से आता है। आप इसको डाउनलोड करके इसमें से आप तैयारी कर सकते हो। आप 100% एक बार में ही अपने टेस्ट को क्रॉस कर लोगे। इसके अलावा आप प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, RTO टेस्ट के नाम से वह एप्लीकेशन आएगा, उसे डाउनलोड करके उसमें से भी अपनी शानदार तैयारी करके एक बार में ही आप 100% एक बार में इस टेस्ट को क्रॉस करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते थे। यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सब तरीके से दिए हुए हैं कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो आपको इसी तरीके से अपनी तैयारी करके ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट का अपना पेपर दे देना, और आप इसी तरीके से पास हो जाओगे और आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा। सो गाइज, अगर कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।